अभी हम आए हुए हैं जटशंकर पोखरे पर। यहाँ पे हमारे स्थानीय पार्षद श्री छट्टीलाल जी मौजूद हैं, जो कि इनकी देखरेख में इस पोखरे की साफ सफाई हो रही है। आपके सामने आप देख सकते हैं, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, ये कब से ये साफ सफाई हो रही, क्या ये अस्तित्व में है अभी पोखरे जैसे होना चाहिए? देखिए, ये आस्था का पर्व, महापर्व छठ पूजा के पावन पर्व पर आप सभी सम्मानित जनता को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन इस प्राचीन जटाशंकर पोखरे पर मैं 6 साल से जो पार्षद हुआ हूँ, तब से मैं देख रेख कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं परम पूज्य महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह निवेदन करूँगा कि इस पोखरे पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि ये प्राचीन पोखरा है। जो अस्तित्व इसका आप देख भी रहे हैं, किस तरह बेहाल पड़ा हुआ है। ये आस्था का पर्व जटाशंकर चौक पे छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु और जितनी माताएं बहनें आती हैं, तो जितना हमारा कर्म है अपना पूरा कर देता हूँ। सजावट भी मैं ही कराता हूँ अपने पैसे से, जितनी भी और हमारे कर्मचारी नगर निगम के बहुत ही मेहनत करते हैं। देखिए, लाइट भी लग रही है, लेकिन लाइट की अवधि अभी भी कम है, क्योंकि अगले 2 साल पहले एक बच्चा भी गिर गया था पोखरे में। लेकिन अभी मैं अपर नगराज साहब से बोला हूँ, तो अभी एक लाइट लगवा रहे हैं। लेकिन मैं समस्त अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि कोई भी हमारे नगर निगम के अधिकारीगण यहाँ पे नहीं आते हैं, चाहे नगराज महोदय हो गए, चाहे अपर नगराज महोदय हो गए, चाहे हमारे माननीय महापौर जी हो गए, इसमें कोई देख रेख करने वाला नहीं है। सारी जिम्मेदारी पार्षद की है, लेकिन यहाँ पे उच्च अधिकारी की होनी चाहिए। यही मेरी कामना है कि भाई पूज्य महाराज से कि इसका भी सुंदरीकरण कराया जाए अति शीघ्र, क्योंकि अगले साल भी देखते देखते भी यहाँ पे जितने भी हमारे छठ व्रत के माताएं बहने हैं, अच्छे से छठ पर्व मनाए। और यही मेरी बधाई आपसे। संख्या लगभग श्रद्धालुओं कितनी हो जाती है? देखिए, यहाँ पे संख्या तो काफी भीड़ लगती है, क्योंकि हमारे, मैं तो 6 साल से यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत संगीत कार्यक्रम भी कराता हूँ, सजावट भी, अभी रात में मेरी सजावट भी हो जाएगी। मैं अपना जो भी मन पड़ता, अपना श्रद्धा हमारी है, आस्था हमारा है, क्योंकि इस छठ महापर्व बिहार से शुरू हुआ है, हम लोग वहीं से बिलोंग करते थे, लेकिन आज बहुत ही महापर्व हो गया है ये छठ पूजा। यहाँ पे कम से कम 1000 की भीड़ होती है यहाँ।